देखिएगा, टॉपिक है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एंड स्टॉक रिजर्व चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर? देखिए, वेन एवर वन डिपार्टमेंट प्रोवाइड गुड्स, वेन एवर वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। देखिएगा, अगर हम मीनिंग पर बात करें, मीनिंग वेन एवर वन डिपार्टमेंट वेन एवर वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर ट्रांसफर गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनदर डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट देन दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। बिल्कुल ध्यान से इस मीनिंग को समझेंगे। जब एक डिपार्टमेंट अपना कोई भी गुड्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोला जाएगा। देखिएगा क्या मतलब है इसका। मान लीजिए ये कंपनी है ए लिमिटेड, इस ए लिमिटेड में दो डिवीजन हैं, इस ए लिमिटेड में दो डिवीजन हैं, एक है डिवीजन पी और एक है डिवीजन क्यू। ठीक है, अब ये जो पी डिवीजन है ये कुछ गुड्स किसको ट्रांसफर कर रहा है, क्यू डिवीजन को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन क्यू। तो ये जो ट्रांजैक्शन पी और क्यू के बीच में हो रहा है,
इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। बोलिएगा क्लियर है, मीनिंग समझेंगे वापस से एक बार। जब एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बोलते हैं। तो पी ने क्यू को कोई गुड्स दिया तो यह ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहलाएगा। नाउ अब देखना, अगर डिवीजन पी डिवीजन क्यू को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है तो डिवीजन पी इज नोन एज सप्लाइंग डिवीजन ठीक है, और जो डिवीजन क्यू है known as receiving division, ये लीजिए, यानी जो डिवीजन गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है उसे तो हम बोलेंगे सप्लाइंग डिवीजन, और जो डिवीजन गुड्स को रिसीव कर रहा है उसे हम बोलेंगे रिसीविंग डिवीजन। तो बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। नाउ अकाउंटिंग, नाउ इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, ध्यान से सुनना। रिकॉग्नाइज सेल्स फॉर सप्लाइंग डिवीजन नाउ द पॉइंट इज जो डिवीजन सप्लाइंग डिवीजन है उसके लिए इसे सेल्स की तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बट वी कांट यूज द टर्म सेल। देखिए सेल टर्म जो है वो यूज की जाती है जब हम कोई भी गुड्स आउटसाइड मार्केट में बेच रहे हैं, तो सप्लाइंग डिवीजन चूंकि अपनी ही एंटिटी के एक दूसरे डिवीजन को बेच रहा है तो रिकॉग्नाइज तो सेल्स की तरह से ही होगा, लेकिन उसे सेल्स न लिखकर, तो रिकॉग्नाइज सेल्स फॉर सप्लाइंग डिवीजन बाय द टर्म, हम उसे बाय ट्रांसफर के नाम से लिखेंगे। हम उसे किस नाम से लिखेंगे? बाय ट्रांसफर। रिकॉग्नाइज परचेस फॉर रिसीविंग डिवीजन बाय द नेम टू ट्रांसफर। तो दिस विल बी द अकाउंटिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। जो डिवीजन गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसके लिए सेल्स रिकॉग्नाइज करोगे, और जो डिवीजन परचेस जो डिवीजन गुड्स को रिसीव कर रहा है हम उसके लिए उसे क्या मानेंगे? परचेस के रूप में
अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिएगा इसके प्रेजेंटेशन को कैसे हम दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन इन ट्रेडिंग अकाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट देखिएगा एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 टू डिपार्टमेंट ए ने 80,000 का गुड्स किसको ट्रांसफर किया है, बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है। तो अब इसे अगर आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में दिखाओगे तो देखिएगा कैसे दिखाया जाएगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट नाउ बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो क्या ट्रांजैक्शन है, जो डिपार्टमेंट ए है उसने 80,000 का गुड्स बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। तो बताइए मुझे एक बार सप्लाइंग डिपार्टमेंट कौन सा है। सप्लाइंग डिपार्टमेंट माने जो डिपार्टमेंट गुड्स सप्लाई कर रहा है कौन है, वो बी डिपार्टमेंट है कि ए है, बताइए। ए डिपार्टमेंट गुड्स सप्लाई कर रहा है तो इसे ए के लिए क्या मान लिया जाएगा, सेल्स मान लिया जाएगा। तो मैं यहां पर सेल्स की तरह से रिकॉग्नाइज करूंगा बाय ट्रांसफर और ए के लिए अमाउंट आ जाएगा 80,000। और जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है यानी डिपार्टमेंट बी, उसके लिए मैं इसे परचेस के रूप में रिकॉर्ड कर दूंगा, दैट इज टू ट्रांसफर और बी डिपार्टमेंट में 80,000 आ जाएगा। बोलिए दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द प्रेजेंटेशन इन ट्रेडिंग अकाउंट कि जो डिपार्टमेंट गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो आप सेल्स के रूप में रिकॉग्नाइज करो और जो डिपार्टमेंट गुड्स को रिसीव कर रहा है उसके लिए आप परचेस के रूप में उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करोगे। तो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। बोलिएगा यहां तक क्लियर है बिल्कुल। नाउ अब समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट
ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट कैन बी एट देखेंगे ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट कैन बी एट कॉस्ट प्राइस और कैन बी एट मार्केट प्राइस. देखिएगा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो उसे कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहा है या वो उसे मार्केट प्राइस, यानी अगर मैं मार्केट प्राइस को दूसरी तरह से बोलूं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर. मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. देखिएगा एक बार, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू डिपार्टमेंट बी. डिपार्टमेंट ए ने 40,000 की कॉस्ट का गुड्स डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर दिया, तो यानी इसका मतलब उसने ये जो ट्रांसफर किया है ये अपनी कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर किया है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्राइस. यहां देखिएगा, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर फॉर गुड्स कॉस्टिंग रुपीस 40,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ए ने 40,000 की कॉस्ट का माल 25% प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर किया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट अ मार्केट प्राइस, या जिसको मैं ये बोल सकता हूं एट अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो यानी ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है ये दो में से किसी भी एक प्राइस पर किया जा सकता है, या तो हम उसे कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहे हैं या हम उसे मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर कर रहे हैं. नाउ अब समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट को. व्हेनेवर वन डिपार्टमेंट व्हेनेवर वन डिपार्टमेंट यानी सप्लाइंग सप्लाइंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स वन डिपार्टमेंट सप्लाइंग गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट
यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एट प्रॉफिट, व्हेनेवर वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट एट प्रॉफिट एंड देयर इज सम अनसोल्ड स्टॉक, सम अनसोल्ड गुड्स आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स, आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स विथ रिसीविंग डिपार्टमेंट, विथ रिसीविंग डिपार्टमेंट then adjustment of stock reserve or unrealized profit or unrealized profit required. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, हमने क्या पॉइंट लिखा है. देखिए ये क्या बोल रहा है, whenever वन डिपार्टमेंट जिसको कि हम सप्लाइंग डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, वो गुड्स एक दूसरे डिपार्टमेंट को दे रहा है जिसे कि हम रिसीविंग डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, और ये जो गुड्स हैं वो प्रॉफिट पर ट्रांसफर हो रहा है, यानी सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने जब गुड्स ट्रांसफर किया तो उसे कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़कर या मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर किया है. एंड देखिएगा ध्यान से, एंड देयर इज सम अनसोल्ड गुड्स आउट ऑफ द ट्रांसफर्ड गुड्स विथ रिसीविंग डिपार्टमेंट, और वो जो गुड्स ट्रांसफर हुआ था उसमें से कुछ गुड्स अभी भी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास क्या रह जाना चाहिए, अनसोल्ड रह जाना चाहिए. तो उस केस में हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो अगर मैं इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ूं तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है. आप ध्यान से इन पैराग्राफ को पढ़कर दो कंडीशन देखिएगा कि इसके लिए क्या दो कंडीशन होनी जरूरी है. कंडीशन वन, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मस्ट बी एट प्रॉफिट. गुड्स का जो ट्रांसफर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन को हुआ है वो प्रॉफिट पर होना चाहिए. और कंडीशन नंबर टू एंड कंडीशन नंबर टू, रिसीविंग डिपार्टमेंट मस्ट हैव
अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, आउट ऑफ सच ट्रांसफर्ड गुड्स. ये लीजिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दो बातें नजर आ जाएं, दो कंडीशन, एक जो गुड्स का ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर एट प्रॉफिट होना चाहिए, और दूसरा कि जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसके पास उस ट्रांसफर्ड गुड्स में से क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए, अगर ऐसा है तो मुझे इमीडिएटली एक और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा विच इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. वापस से इस पूरे पैराग्राफ को समझेंगे. वेन एवर वन डिपार्टमेंट, दैट इज सप्लाइंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफर गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज रिसीविंग डिपार्टमेंट एट प्रॉफिट, तो कंडीशन नंबर वन, ट्रांसफर मस्ट बी एट प्रॉफिट. कंडीशन नंबर वन, ट्रांसफर ऑफ गुड्स मस्ट बी एट प्रॉफिट. एंड सेकेंड, देयर इज सम अनसोल्ड गुड्स आउट ऑफ द ट्रांसफर्ड गुड्स विथ रिसीविंग डिपार्टमेंट. रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास उस ट्रांसफर्ड गुड्स में से क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए. जो गुड्स सप्लाइंग डिवीजन ने उसे दिया था उसमें से उसके पास अगर कोई भी अनसोल्ड स्टॉक बच रहा है तो देन मुझे उस पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ अगर हमें पता लग गया कि ये कंडीशन पूरी हो गई है तो नाउ द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. हाउ टू कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अगर हम कैलकुलेटिव बात करें तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा. स्टेप वन, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी गुड्स ट्रांसफर हुआ है उसमें से जितना भी अनसोल्ड बचा हुआ है उसकी वैल्यू को ढूंढ लो. और स्टेप टू, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. ए इफ
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसको ऐसे लिखो, इफ ट्रांसफर इज एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर जो ट्रांसफर हुआ है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के रूप में हुआ है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अगर आपका जो ट्रांसफर हुआ है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर हुआ है, अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर हुआ है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट से निकाला जाएगा। बी, इफ ट्रांसफर इज एट प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स, अगर प्रॉफिट की रेट किस पर दी हुई है आपको, सेल्स पर दी हुई है, तो उस केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनटू सॉरी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वाली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ये वाली या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू रेट अपॉन 100, तो ये आपके पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। केवल और केवल ध्यान देना है बस दो बातों पर आपको। सबसे पहले आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स में से जितना क्लोजिंग बचा हुआ है उसको लेना है और उस पर रेट ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। नोट, नोट समझना ध्यान से, समटाइम्स ट्रांसफर इज एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस देन वी मस्ट कैलकुलेट जीपी रेट ऑफ सप्लाइंग डिवीजन इन द फॉलोइंग मैनर। इन द
देखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट की रेट नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ एक टर्म यूज करेगा कि जो डिपार्टमेंट है उसने जो गुड्स ट्रांसफर किया है वो गुड्स उसने मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर किया। तो अगर आपने जो गुड्स ट्रांसफर किया है वो मार्केट प्राइस पर किया है, तो व्हाट डज इट मीन कि आप मार्केट में जो जीपी कमा रहे हो वही जीपी कमाते हुए आपने ट्रांसफर किया है। अगर आपने ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस किया है तो व्हाट डज इट मीन कि जो जीपी आप मार्केट में कमा रहे हो वही जीपी आपने ट्रांसफर पर भी कमाया है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सच जीपी रेट। तो मुझे अब वो जीपी रेट निकालनी पड़ेगी। तो जीपी रेट कैसे निकलेगी? अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जितना सप्लाइंग डिवीजन ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय सेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर, सेल्स इंक्लूडिंग ट्रांसफर। इन 200 ये आपके पास जीपी रेट आ जाएगी। और फिर हम इस जीपी रेट को अप्लाई करते हुए क्या निकाल लेंगे? हम अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिएगा, थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हुआ है? फिर देन वेरियस एग्जाम्पल्स से हम इसको वेरियस सिचुएशंस के साथ डील करेंगे। क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा, सिचुएशन सिचुएशन देखिएगा। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स देखिएगा, बहुत धीरे धीरे आराम से हम इन बातों को एग्जाम्पल्स के द्वारा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड हैविंग टू डिपार्टमेंट्स, दैट इज ए एंड बी। एक्स लिमिटेड के पास, जो एक्स लिमिटेड है उसके दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर ट्रांसफर गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट 25% अबव कॉस्ट, टू डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी समझना, जो ए डिपार्टमेंट है उसने 40,000 की कॉस्ट का माल 25% अबव कॉस्ट करके बेचा है। क्लियर?
40,000 की कॉस्ट है, उसने उस पर 25% प्रॉफिट कमाया, तो व्हाट इज द ट्रांसफर वैल्यू? 40,000 प्लस 25%, यानी ए ने बी को 50,000 की वैल्यू का गुड्स ट्रांसफर किया है एट ईयर एंड। ईयर एंड 2/5 ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड अनसोल्ड विथ डिपार्टमेंट बी। अब ये जो गुड्स ट्रांसफर हुआ था, इसमें से 2/5 अभी भी बी डिपार्टमेंट के पास अनसोल्ड रह गया है। कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा सा पहले हम, चूंकि पहला क्वेश्चन आप कर रहे हो, हम थोड़ी सी कुछ डिटेल्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ यहां पर सप्लाइंग डिवीजन कौन सा है और रिसीविंग डिवीजन कौन सा है? सॉल्यूशन, सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लाइंग डिवीजन और रिसीविंग डिवीजन, सप्लाइंग डिवीजन और रिसीविंग डिवीजन। बताओ, सप्लाइंग डिवीजन तो ए है और रिसीविंग डिवीजन बी है। इसने इसको गुड्स ट्रांसफर किया है 40,000 प्लस 25%, दैट मीन्स ₹50,000। ए ने बी को जो गुड्स ट्रांसफर किया उसको इंक्लूडिंग प्रॉफिट जब मैंने देखा, तो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड है वो 50,000 बनी, कि ए ने बी को 50,000 का गुड्स ट्रांसफर किया है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, गुड्स जो ट्रांसफर कर रहा है यानी जो बेच रहा है, प्रॉफिट उसी ने कमाया होगा? यानी प्रॉफिट किसने कमाया है? ए डिवीजन ने बी डिवीजन को माल बेचते समय कुछ प्रॉफिट अर्न किया है। नाउ तो प्रॉफिट किसने कमाया? ए ने कमाया। कितना कमाया? कॉस्ट में 25%। अब मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल ध्यान से, स्टेप वन, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से सुनो, कितने का गुड्स ट्रांसफर हुआ था? 50,000 का गुड्स ट्रांसफर हुआ था और ईयर एंड पर इसमें से 2/5 अभी भी अनसोल्ड है। तो बताओ, अनसोल्ड गुड्स आउट ऑफ द ट्रांसफर्ड निकाल सकते हो? वापस से देख लेना, हमारी स्टेप वन क्या थी? हमें अनसोल्ड गुड्स निकालना है आउट ऑफ द ट्रांसफर्ड गुड्स। तो ट्रांसफर्ड गुड्स था 50,000 और इसमें से 2/5 अभी भी अनसोल्ड बचा हुआ है। 2/5 निकालो जरा, कितना हो गया? ये 20,000 का गुड्स अभी भी बी डिपार्टमेंट के पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है। लो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लीजिए, मेरे पास ये जो 20,000 का गुड्स पड़ा हुआ है, ये 125 पर है कि नहीं है? पहले इसको समझो,
क्या ये 20,000 में प्रॉफिट इंक्लूड है? तो देखो, इस 50,000 में अगर प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसका 2/5 इस 20,000 में भी प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें? प्रॉफिट इंक्लूड है कॉस्ट प्लस 25%, यानी जिस गुड्स की कॉस्ट अगर 100 रुपए है उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 125 के बराबर हो गई। तो यानी ये जो 20,000 की सेलिंग प्राइस है ये 125 के बराबर है, तो इसमें प्रॉफिट यानी 25 का अमाउंट क्या होगा? सॉल्व करें तो 20,000 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 25, तो इसमें 4,000 का हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये लीजिए अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000। दिस विल बी कॉल्ड वैल्यू ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा दो ही स्टेप पर सोचना है। पॉइंट नंबर वन, जो गुड्स ट्रांसफर किया गया है उसमें से अभी भी अनसोल्ड किसना कितना बचा हुआ है, और अनसोल्ड हमेशा किसके पास बचेगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास बचेगा। तो यानी आपको सबसे पहले रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास बचे हुए अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू चाहिए। फिर सेकंड, अब उस बचे हुए अनसोल्ड स्टॉक में जितना प्रॉफिट सप्लाइंग डिवीजन ने कमाया वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और वही प्रॉफिट हमारा क्या कहलाएगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा। तो दिस विल बी द अनरियलाइज्ड। और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, डिपार्टमेंट पी ट्रांसफर गुड्स कॉस्ट ₹1 लाख एट 20% अबव कॉस्ट टू डिपार्टमेंट क्यू। पी डिपार्टमेंट ने 1 लाख की कॉस्ट का माल 20% प्रॉफिट जोड़कर किसको बेचा है? डिपार्टमेंट क्यू को दिया है एट ईयर एंड। डिपार्टमेंट क्यू हैज ₹60% ऑफ अबव गुड्स एज अनसोल्ड। डिपार्टमेंट क्यू के पास इस गुड्स में से 60% अभी भी सोल्ड है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। चलिएगा बिल्कुल वापस से ध्यान से मुझे बताओ, पी ने क्यू को जो ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू क्या है? ये पी डिपार्टमेंट है और ये क्यू डिपार्टमेंट है। गुड्स यहां से यहां गया 1 लाख प्लस 20%, तो यानी गुड्स की वैल्यू हो गई 1,20,000। पी से क्यू को जो गुड्स गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000 रुपए। इस पर प्रॉफिट किसने कमाया होगा? जो सप्लाइंग डिवीजन है प्रॉफिट वही कमाएगा।
तो सप्लाइंग डिवीजन ने 20% अबव कॉस्ट कमाते हुए क्यू को दिया। खत्म यहां तक बात। अब वापस से आ जाओ, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक, ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है यानी 1,20,000 का, उसमें से 60% अभी भी अनसोल्ड बचा हुआ है, तो यानी अनसोल्ड वैल्यू हो गई 1,20,000 का 60%। ये आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई 1,20,000 का 60%, यानी 72,000, 72,000 आपकी अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर? बिल्कुल। बस अब स्टेप टू, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये जो 72,000 है, अगर ये 120 है तो 20 यानी प्रॉफिट का अमाउंट कितना हुआ निकाल दो। तो जो 72,000 है डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, तो 12,000 आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, 12,000 हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बिल्कुल ध्यान से। बस अब अगर आप एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो ध्यान रखना है बस आपको केवल कि आपके पास जो गुड्स ट्रांसफर होके आया है उसमें कितना अनसोल्ड आपके पास बचा हुआ है और उस अनसोल्ड पर सप्लाइंग डिवीजन ने किस रेट ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाया है। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल यहां तक?